चले आ जाए जल्दी आए। मेरे शूटर नहीं हो रहा, क्यों ज्यादा पड़ा है राधा? चले सॉरी उतारने वाले होते हैं हम तो, ये तो चिपक के जाते। ठीक है चले आज हम लोग जाने लगे हैं प्लांट्स लगाने, फूलों वाले प्लांट्स लगाने हमने। ठीक है क्या जी, आपने ये पानी वाली बोतल उठानी है, पौधों को पानी भी देना। आप एक तकिया, आप एक तकिया नहीं, उस तकिया के अंदर मुट्ठी भर के फिर आप उसको याद आके आप रख दीजिए। चलें ये पानी की बोतल भी हम उठा लेते हैं। इनको इसको रख दे। आप उठाएंगे? हाँ, इसको आप रख दे। चलें आप उठाएं। इसको बाद में लेंगे। अभी आप उठा के ले आए ना? नहीं। चलो फिर चलें। साथ में आप पौधों को पानी भी दे रहे हैं। हाँ। और ये जी हमने बीज अपने ले लिए हैं। जैम जैम ले ली, क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये तो हमें गिफ्ट मिला है साथ में। चले आ जाए जल्दी आए। ये यहाँ पे हमने मार्बल किया है लेकिन अभी इसकी रगड़ाई होनी है फिर इसकी चमक निकलेगी, तो ये काम अभी रुक गया है। तो प्लांट्स हमने कहाँ पे लगाने हैं, जो फूलों वाले पौधे हैं वो हम सोच रहे हैं कहाँ पर लगाएं। ये मैं इन बड़े वाले प्लांट्स के बीच में लगा रही हूँ। ये देखिए मामू। चलें ये क्या है? हाँ ना फेंक दो। चलो आ जाओ हम अभी इधर पौधे लगाने लगे। ये हमारे पास हैं, मैं भी देखती हूँ कि ये कौन से हैं। अंदर से पानी नहीं, सबसे पहले हमने लगाने हैं अभी उससे भी ज्यादा छोटे लेकर दूंगा। ये हमें कॉस्मोस, ये है ना मैं गिफ्ट मिला है, और ये है ये गिफ्ट मिला है पता नहीं कौन से क्या लिखा है, हैं लिली पिंक। तो अभी हम इसके बीज लगाएंगे। यहाँ पे पहले हम इसके अंदर सुराख कर लेते हैं। ठीक है मैं पानी नहीं निकाला क्योंकि मैं इसके आगे ले इसे को खोल लेता हूँ। मम्मी ने इसके आगे वाले हिस्से को खोल के रख दिया। मम्मा अभी भी नहीं निकल रहा। क्या पानी नहीं? मम्मा मुझे 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 वो चाहिए होगा वो, मैं कुछ लेके आता हूँ। क्या? मुझे दूसरी बोतल जो वहाँ पर आपने रखी थी, मुझे दूसरी बोतल चाहिए। आपने पानी देना है? हाँ वो बड़ी वाली लेकर आऊँ। इस साइड पे भी हम लगा देते हैं। ले आओ
ठीक है। आपने इधर पौधों को पानी देना है। अच्छा तो आपने इसके अंदर ज्यादा पानी क्यों भरा है? क्या मेरे से उठाने ही नहीं हो रहा, क्यों ज्यादा भरा है? ज्यादा? हाँ। अभी मैं आपको बताती हूँ आपने किधर पौधों को पानी देना है। मैं इसके पौधों को पानी नहीं दे रहा। मैं दे दूँ? ना ना। आराम से बहुत ज्यादा नहीं देना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देना, थोड़ा सा। जहाँ पे मैंने पौधे लगाए हैं मुझे उधर पानी देने देना, मुझे देने। इनको इतना ज़्यादा भरा। कौन सा वाला? दिख आपको क्या नहीं दिख रहा? कौन सा? ये रखिए बेबी का पापा। अच्छा ये इस बेबी प्लांट का पापा है? ये बेबी और ये पापा। अच्छा ये पापा है, पापा प्लांट है। अब मुझे बताए ना और हम काम पे लगाएं उसे। ये देखो सारा मेरा स्टैंड नीचे गिर गया। मैं बता रही हूँ। थैंक यू। अभी हम इसमें वापस लगाते हैं और इसको टाइट करेंगे। थैंक यू। ये टाइट मैंने कहा था कि इसको ऊंचा करना नहीं है। अच्छा मैं दिखाता हूँ। दे अभी मैं उस साइड पे जाके लगाते हैं। इसको ये बहुत नाजुक है, ये टूट जाएगा फिर हम क्या करेंगे? मैं दिखाऊंगी। अभी ये पौधे लगाने, वो देखो सारे बीज नीचे। नहीं नहीं मैं करूंगी। बीज उठाओ, बीज उठाओ। पहले मैं करूं। क्या करना है आपने, क्या करना है? प्लीज मैं आप मुझे पता है कि किस वाले पौधों में खाद डालना है? मैं आपको बताऊं? हाँ डाल कर आए उधर, वो उस साइड। डाल दिया आपने? हाँ मैं डाल, अभी मैं खाद लेता और डालेंगे आप खाद। खाद लो और फिर हम इसके ऊपर इस तरह करके ना जहाँ पे हमने पौधे लगाए हैं उसके ऊपर। इस जगह पे, उस जगह पे, उस जगह पे लगाएं। गुड बॉय। और खाद और चलो एक उस साइड पे भी तो लगाएं। कहाँ है? किधर किधर लगाऊं? उस साइड पे। मम्मा वहाँ पर आपने रख दिया। चलो अभी जहाँ पे हमने पौधे लगाए हैं अभी हम इसको पानी देंगे। खाद। मम्मा मैं प्लीज एक दफा रुक जाए। चलो आप से उठाने भी नहीं होता ना, आप स्प्रे करो ना ना। आप एक ही दफा सारा आपने डाल दिया है, सारे का सारा आपने एक ही जगह पर डाल दिया। बाय सॉरी सॉरी। पानी तो निकल नहीं है स्प्रे करने। आप स्प्रे करें ना। निकल नहीं रहा पानी। नहीं निकल रहा। इस मिट्टी के ऊपर इस मिट्टी रूट्स निकल आई है ना। ये देखो ये टोमेटो है, इसको हमने इसके अंदर रखना है। इसको आप देखते रहो, आप देखो पहले। अभी आप आपको आता नहीं। अभी इसके ऊपर खाद डालेंगे। फिर इसके ऊपर आपने पानी डालना, ठीक है? पानी पानी मैं डालती हूँ। अभी नहीं। चले अभी आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें। इसके साथ नहीं, इसमें है ही नहीं, उसके साथ डालें। स्प्रे के साथ डालें। देखा ना मैंने बोला था आप इस तरह करते हो। कर दूं? करो। दिखाएं मुझे क्यों नहीं पानी आ रहा।
आपने खराब तो नहीं इसको कर दिया? चलो डालो। प्यारा सा पौधा होगा, उगेगा और फिर आपको पता है इसके ऊपर क्या लगेंगे? टोमेटोस। फिर मैं टोमेटो उतार के दूंगी आपको। पानी नहीं आ रहा भैया। तो ना आते आते तो भरूंगा। हाँ उसके ऊपर एप्पल लगेंगे। बिस्मिल्लाह। मम्मा मुझे कुछ छुप तो ले आओ। सेट गो। जल्दी से बोतल लेकर आओ। तो बुरी बात है। ये बुरी बात नहीं है। जब मैंने पानी पिया था तो फिर यहाँ पर आपने बोला कि ये तो आपकी मूंछ है। हाँ मामा आपको बेटे जब आपने इसको खोला था तो मैंने ऐसे करके साबुन से कब धोए हैं? धोए। अच्छा चले आपने के छिलके उठाए। मम्मा कटर से क्या करना है? अभी हाथ तो वापस गंदे हो गए, नोजी में मार दी। अभी नोजी वाले आलू तो मैं नहीं खा सकती। बड़े सॉरी। जो ही खाना बनाना होता है तो मुझे नहीं देखा मैं कटी खाना हाथ बनाते वक्त हाथ फौरन पहले धोती हूँ। चले बड़े सॉरी। सॉरी दोबारा बोल। सॉरी। पहले मैं हाथ दूंगा। मैं हाथ गंदे मैंने नोजी में मारा। ख्याल से छुरी आराम यूज करें। हाथ कट जाता। पहले सॉरी बोले। सॉरी दे दे दे। और ये तो मम्मी ये तो छोटा शाय बेबी आराम से प्यारा लग रहा है। हाथ को बचा दिया। मम्मा ये वाला टमाटो प्यारा लग रहा है। ये बेबी वाला टमाटो प्यारा लग रहा है। अच्छा इसके छोटे पीस निकाल। जी पीस करके उसके अंदर डाल लें। उसके छोटे छोटे पीस डाल दें। अच्छा बड़े बड़े नहीं? मैं तो छोटे ही डाल लूं। ठीक है ये लो और ये भी लो। ये लो छोटे चलो ना छोटे और भी छोटे उससे ज्यादा छोटा। ये लो और ये छोटे वाले डालता हूँ तो वो उतरते नहीं है उससे ज्यादा छोटे इसलिए मैं थोड़े से बड़े वाले फिर वो इसलिए। मम्मा ये जब इस आलू को काट के उतारने वाले होते हैं तो ये तो छिपक के जाता है और ये उतरता ही नहीं है। ये थोड़ी बात ये थोड़े और ये फिर थोड़ी और बात। मम्मा इतना छोटा डालू। मम्मा इतना छोटा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जनाब जैसा कि आप लोग देख रहे थे मैं और मेरा छोटा बेटा आज थोड़ी सी प्लांटिंग कर रहे थे और ये बहुत ही अच्छा शौक़ है और एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप बचपन से ही बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को भी इन्वॉल्व करें तो बड़े होकर इस तरह की हॉबीज़ या एक्टिविटीज़ उनके अंदर जो है इसका शौक जो है वो डिवेलप हो जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बीज वगैरह लगाए हैं, आप देखें कब वो डेवलप होते हैं। और फिर अभी मैं किचन में आई हूँ तो किचन में भी मेरे साथ वो काम कर रहा था
तो मैं उससे पूछती हूँ कि आपको मेरे साथ क्या काम कराना है, तो जो काम ऐसा हो कि उसका मेरे साथ कराने वाला हो, जिस तरह से अभी यहाँ पे मेरे साथ वो पोटैटोज़ कट कर रहा था, तो काफ़ी वो पोटैटोज़ सॉफ़्ट होते हैं तो वो इजीली कट कर लेता है, तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो आप पोटैटोज़ कट करो, तो काफ़ी देर, जितनी देर मैं खाना वगैरह बना रही थी, बाकी चीज़ें कर रही थी, तो काफ़ी देर वो पोटैटोज़ कट करता रहा, तो अच्छा खासा उसका टाइम पास हो गया था। और यहाँ पे साथ में मैं पिकल्स बना रही थी, और इसमें मैंने ये अनियन है इसको मैंने पिकल किया है, इसमें मैंने हाफ़ पानी और हाफ़ विनेगर डाल के, पानी को पहले बॉईल किया, उसमें हाफ़ विनेगर और हाफ़ पानी डाला है, उसमें चीनी और नमक डाल के मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था। और ये चिया सीड्स मैं अभी पी रही हूँ, मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो मैं डेली कंज्यूम करती हूँ, कभी कभार भूल जाऊँ लेकिन वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं कंज्यूम करूँ। और यहाँ पे मैं जो गाजर और ये खीरा है वो भी मैंने कट करके रख लिया था, इनको अगर आप वैसे जो सिरके में इनको जब इनका पिकल बनाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये बहुत मज़े का भी लगता है। और इसको अगर आप बच्चों के लिए, वैसे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते, लेकिन अगर उनको इस तरह से बर्गर वगैरह में ये क्यूकम्बर और ये अनियन जो पिकल होते हैं ये आप शान लगा कितने के पोटैटो दो रह तो गए काफ़ी शौक से हैं। खा लेते हैं और मज़े की भी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो बाकी यहाँ पे मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी और मैंने पुदीने की चटनी भी मैंने बना के रख ली थी, जो वो चाट मैं बना रही हूँ उसके लिए। और ये मैं अपने लिए जो नाश्ता बना रही थी, मैं बनाती हूँ बेसन का चीला, तो इसमें मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, इसमें मैं सिर्फ स्पिनच ऐड करती हूँ और बाकी मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करके बेसन में, और थोड़ा सा मैं इसमें जो काटा भी ऐड करती हूँ और बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करके ये बहुत ही मज़े का चीला बनता है। तो यहाँ पे भी मैं बना रही थी, पापड़ी बना रही थी चाट के लिए, तो उसके लिए मैंने आटा गूंद के रखा था। आटे में आपने थोड़ा सा देसी घी मैंने इसमें ऐड किया था अच्छे से, और उससे ये बहुत ही हस्ता पापड़ी बनती है। तो इसको बेल कर, और इसको थोड़ा सा पतला ही बेलना है, और इसको आप राउंड शेप में कट कर लें या जिस शेप में भी कट कर लें। इसको हमने उसको पापड़ी बनाने के लिए कोई भी आप शेप में आप इसको कट कर सकते हैं, तो मैंने ये राउंड शेप में कट की थी, तो उसमें मुझे काफ़ी मेहनत लग रही थी, तो बस फिर मैंने इसको अनइवन से ही कट कर लिया। और बस फिर इसको मैंने जो सरसों का तेल है, फ्राइंग के लिए सरसों का तेल बेस्ट होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तो उसकी स्मेल जो होती है ना जब आप उसको फ्राई कर रहे होते हैं उस टाइम आती है, लेकिन बाद में बिल्कुल पता भी नहीं चलता, जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो बिल्कुल भी उसकी स्मेल नहीं होती। और जो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सरसों का तेल ही क्यों, सरसों का तेल इसलिए क्योंकि इसको सदियों से फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया करते आ रहे हैं, और ये फ्राइंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए ये बेस्ट ऑयल होता है। इसका जो स्मोक पॉइंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो कि उसके लिए, फ्राइंग के लिए बेस्ट होता है। और उसके अलावा देसी घी को भी आप डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं पराठे वगैरह बनाने के लिए देसी घी यूज़ करती हूँ। तो जनाब यहाँ पे बातों बातों में मेरी चाट भी रेडी हो गई है, तो मैंने पुदीने की चटनी और साथ में मैंने दही जो है उसमें मैंने मिक्स करके रख लिया था इमली, और इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया था, और ये इमली की चटनी भी मैंने बना के रखी हुई थी, और साथ पापड़ी भी मेरी रेडी हो गई थी, और बस ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बन गई थी। और अभी मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी और फिर आप देखना उसके कमाल के रिव्यूज़ मुझे मिले थे। तो बस चलें अभी हम चाट को एंजॉय करते हैं, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
मजा ही आ गया।